हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है ऑनर 200 5G। तो क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, कैसा है इसका कैमरा, तो इस बारे में आज जो है बात करने वाले हैं। ये फोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन फ्यूचर, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वेट के बारे में। तो 187 ग्राम का जो इसका वेट होने वाला है, तो स्लाइट ही आपको थोड़ा सा भारी ये फोन जो है लग सकता है। बात करें ऑनर 200 5G में बैटरी के बारे में, तो इसमें 5200 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है। तो बैटरी आपको थोड़ी सी ज्यादा इसमें बेटर देखने को मिल सकती है। और चार्जिंग की अगर बात करें तो 100 वॉट के चार्जर के साथ ये आपको मिलेगा, जो कि आपके फोन को 25 to 30 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर देगा। तो बैटरी भी इसमें काफी अच्छी दी है, चार्जिंग भी इसमें जो है काफी अच्छा जो है दिया हुआ है। दोस्तों अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो 6.7 इंच की फुल HD OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। और ये डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले होने वाली है, तो डिस्प्ले यार काफी अच्छी इसमें दी हुई है। व्यू एंगल काफी अच्छे जो है होने वाले हैं, चिनो बेजल काफी कम रहेंगे। कंटेंट वॉचिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है इसमें काफी अच्छा जो है आपको मिलने वाला है। और दोस्तों इस डिस्प्ले में आपको मिलने वाला है 120 Hz का रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले यार काफी स्मूथ होने वाली है और काफी अच्छा जो है डिस्प्ले का जो है एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है। दोस्तों अगर बात करें ब्राइटनेस के बारे में, तो इसमें 4000 nits की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। तो इंडोर में भी और आउटडोर में भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी जो है ऑनर 200 5G में नहीं होने वाली है, क्योंकि पीक ब्राइटनेस आप जानते हैं कि जब आप फुल HD में कंटेंट जो है वॉच करते हैं तो पीक ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ब्राइटनेस में आपको किसी भी तरह का इश्यू जो है देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात करें एंड्रॉयड की, तो ये एंड्रॉयड 14 पर जो है लॉन्च होगा और इसमें मैजिक OS 8.0 जो है देखने को मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन सिक्योरिटी अपडेट का जो है अभी पता नहीं है कि 2+3 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट इसमें देखने को मिलेंगे या 3+4 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट जो है इसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों जिस स्पेसिफिकेशन पे ये फोन जो है लॉन्च हो रहा है, उम्मीद यही कर सकते हैं कि इसमें 3+4 ईयर के सिक्योरिटी अपडेट जो है हमें देखने को जो है मिल सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसमें LPDDR5X की रैम दी है और स्टोरेज का भी हमें पता नहीं है, लेकिन LPDDR5X रैम आपको इस फोन में जो है देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस फोन का प्राइस जो है अभी कंफर्म नहीं है कि इस फोन का जो है प्राइस क्या होने वाला है। तो बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है। तो प्रोसेसर काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस जो है आपको काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। परफॉर्मेंस में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ऐप ओपनिंग हो, क्लोज हो, या हर तरह के जो डेली नॉर्मल टास्क है वो आप इसमें कर पाएंगे। कैजुअल गेमिंग भी आप इस फोन में जो है कर पाएंगे, बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग आप इसमें नहीं कर पाएंगे, ये गेमिंग को टारगेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ कैजुअल और अच्छी गेमिंग आप इस फोन में जो है कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें कैमरास के बारे में, तो इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कैमरा ओरिएंटेड फोन हो सकता है। तो इसमें जो ऑन पेपर जो हमें दिख रहा है कि अच्छे जो है कैमरा दिए गए, चाहे मेन कैमरा हो, चाहे अल्ट्रा वाइड कैमरा हो, चाहे यहाँ टेलीफोटो लेंस भी इस फोन में दिया गया है, तो आप 2x पे अच्छी पोर्ट्रेट फोटो भी जो इसमें क्लिक कर सकते हैं, और मेन कैमरे से भी और टेलीफोटो लेंस से भी और अल्ट्रा वाइड कैमरे से भी आप इसमें अच्छी फोटो जो है खींच सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा, सेल्फी कैमरे से भी आप अच्छी फोटो जो है क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मेन कैमरे से आप 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, तो एक एवरेज तरह की डिसेंट वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस फोन में जो है कर सकते हैं। अगर सेल्फी कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो 4K 30 FPS तक में आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बैक में भी और सेल्फी में भी आप 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। दोस्तों ऑनर 200 5G के ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे। तो जब ये फोन लॉन्च होगा, तो इस पर और डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो।